एक व्यक्ति नित्य लड्डू गोपाल जी की सेवा किया करता था, लेकिन ठाकुर जी कभी उससे उत्तर ही नहीं देते थे। किसी व्यक्ति ने उससे कहा कि तू अमुक देवी देवताओं की पूजा करना शुरू कर, तुझे उत्तर मिलना आरंभ हो जाएंगे। तो वो अन्य देवी देवताओं के विग्रह लाया और उनकी पूजा करना आरंभ कर दी और लड्डू गोपाल पे क्रोध कर मंदिर के ऊपर के कपाट में उन्हें रख दिया। अब जब वो पूजा करने के लिए अगरबत्ती को अर्पित करने लगा तो उसने सोचा कि अगरबत्ती की सुगंध लड्डू गोपाल क्यों ले, इसने तो कभी मेरे से बातचीत की ही नहीं। तो उसने सोचा कि मैं एक कपड़े से इनका मुख बांध लेता हूँ, ये क्यों सुगंध ले मेरे अगरबत्ती की। तो जैसे ही उसने एक कपड़ा लेकर ठाकुर जी का मुख बांधने का प्रयास किया, ठाकुर जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो उसने ठाकुर जी से कहा, आज तक तो कभी आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, मुझसे बात नहीं की, लेकिन अब मैं किसी और देवी देवता की पूजा कर रहा हूँ तो प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने मुस्कुराकर कहा कि आज तक तू मुझे केवल मूर्ति समझकर मेरी पूजा कर रहा था, आज तूने मुझे चैतन्य माना, तूने ये जाना कि मैं तेरे अगरबत्ती की सुगंध लूंगा तो जिस भाव से तू मुझे भजेगा तुझे वैसा ही परिणाम मिलेगा। भगवद गीता में कृष्ण ने कहा है, ये यथाम माम प्रपद्यन्ते ताम स्थैव भजामि अहम्। हम ठाकुर जी को जड़ मानेंगे तो ठाकुर जी हमारे सामने कभी लीलाएं नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम ठाकुर जी को चैतन्य मानेंगे तो ठाकुर जी भी हमारे सामने चैतन्य स्वरूप धारण कर लीलाएं करेंगे। श्री राधे।